दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो आपको पता होगा Android 10 में यहाँ पे बैटरी ड्रेनिंग को लेकर हमको बहुत ही इश्यू जो है देखने को मिलता है इस Realme डिवाइस में। अब ऐसे में यहाँ पे Realme ने कुछ अपना ऑफिशियली जो है टिप्स यहाँ प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि जो Realme ने यहाँ जो बताया है इन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको पहले के कंपैरिजन में जो बैटरी का ड्रेन इश्यू है वो यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको एंड्रॉइड 10 में बैटरी का जो है प्रॉब्लम हमको ज्यादा देखने को मिलता है ड्रेन इशू को लेकर, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे हम जाते हैं अपने बैटरी के लेवल में, या फिर हम कुछ भी चीज यूज करते हैं, चाहे गेम प्ले करते हैं चाहे कोई भी चीज यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारी बैटरी जो है ज्यादा ड्रेन होती है। तो इसके लिए Realme ने अपना ऑफिशियली जो है टिप्स यहाँ प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Realme ने बैटरी को लेकर यहाँ पे कुछ अपना ऑफिशियली जो है चीज यहाँ प्रोवाइड करवाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर कोई यूजर यहाँ पे Realme को बैटरी का जो ड्रेन प्रॉब्लम है वो यहाँ कम्युनिटी में शेयर करके अपना प्रॉब्लम जो उनसे डिस्कस कर रहा है, तो सभी जो Realme है उसके लिए यहाँ पे अपना जो है फीडबैक प्रोवाइड करवाया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैटरी के लिए है यहाँ पे उन्होंने कुछ सेविंग टिप्स जो प्रोवाइड करवाई हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने सेटिंग्स बताई हुई है कि आप जो है अगर आपको बैटरी का इशू ज्यादा देखने को मिल रहा है तो आप जो है अपनी सेटिंग में जा सकते हैं, उसके बाद बैटरी में जा सकते हैं, और वहां पे आपको जो यहां पे एक्सटेंड बैटरी लाइफ है उसको यहां से इंक्रीज कर सकते हैं, सेव पावर में जाके देख सकते हैं। और यहां पे जितने भी प्रॉब्लम मतलब जो आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करती है या फिर ऐसी कोई एप्लीकेशन होती है जो कि बैटरी पे लोड डालती है, तो वो यहां से एप्लीकेशन के थ्रू जब आप इसको एक्सटेंड बैटरी लाइफ करेंगे तो वो यहां से इंप्रूवमेंट थोड़ा देखने को मिलेगा पहले कंपैरिजन में। ठीक है, पहला टिप्स तो इन्होंने बताया, और सेकंड टिप्स में ये बताया कि यहां पे आप देख सकते हैं कि अपनी बैटरी को जो है यहां पे जब आप यहां पे सेव नाउ क्लिक करेंगे, सेव पावर को क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप यहां से पावर सेविंग को भी जो इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पे मिल जाता है पावर सेविंग का ऑप्शन, तो यहां पे आप जो है सिंपली जा सकते हैं और पावर सेविंग को भी इनेबल कर सकते हैं। और यहां पे आपको इसमें मिल जाता है सुपर पावर सेविंग मोड का भी ऑप्शन, तो सुपर पावर सेविंग मोड को भी आप यहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप सुपर पावर सेविंग मोड को यहां पे यूज करेंगे तो जो आपकी बैटरी का लाइफ है वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और यहां पे देखिए सुपर पावर सेविंग मोड के बारे में, जैसे ही मैंने आपको बताया कि यहां पे जो भी हमारे अननोन सोर्स वाले एप्लीकेशन होते हैं जो कि बैकग्राउंड में रन करते हैं, जब हम सुपर पावर सेविंग मोड को इनेबल करते हैं तो सारे एप्लीकेशन जो यहां डिसेबल हो जाते हैं, जैसे हमारा यहां पे GPS वर्क करता है या फिर कोई ऐसी चीज वर्क करती है जो कि यहां पे वर्क नहीं करनी चाहिए, तो वो वहां उसको डिसेबल कर देता है और जो बैटरी से लोड है वो यहां से हट जाता है। तो कहीं ना कहीं पहले के कंपैरिजन में जो बैटरी है थोड़ा इंप्रूवमेंट बैटरी में जो देखने को मिलता है। और यहां पे अगला इन्होंने बताया कि यहां पे एप्स बैटरी मैनेजमेंट को लेकर, तो इन्होंने एप्स बैटरी मैनेजमेंट को भी लेकर यहाँ पे टिप्स दिए कि आप जो है एप्स बैटरी मैनेजमेंट में भी जाके जो है वहां से जो भी एप्लीकेशन है जो कि एक्स्ट्रा यहाँ बैकग्राउंड में रन करती है उसको भी यहाँ से बंद करके जो है जो बैकग्राउंड में रन कर रही है उसको बंद करके यहाँ से जो इसकी पावर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसको भी काफी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पे फोन बैटरी यूजर्स को भी लेकर जो है इन्होंने बताया हुआ है, क्योंकि आपको पता है फोन में जो बैटरी यूज होती है वो यहाँ पे जैसे कॉल चलती है हमारी या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि अननोन सोर्स वाली चलती रहती है, तो उसको भी आप अगर बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं जैसे ही आप उसको बंद करते हैं तो वो बैटरी से लोड हट जाएगा, और जैसे ही बैटरी से लोड हटेगा तो आपकी कैपेसिटी आपको पहले कंपैरिजन में आपको इंप्रूवमेंट जो है देखने को मिलेगा। और यहां पे नेक्स्ट बताया इन्होंने पावर सेवर ऑप्शन को लेकर, तो यहां पे पावर सेवर ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहां पे मिलता है आपको स्लिप स्टैंड बाई ऑप्टिमाइजेशन का, इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका डिवाइस ये स्लिप स्टैंड बाई ऑप्टिमाइजेशन में चला जाएगा तो वहां पे जो भी आपकी एप्लीकेशन रन करती होती हैं इसके बैकग्राउंड में वो सारी डिसेबल हो जाएंगी। और नेक्स्ट इन्होंने बताया है परफॉर्मेंस मोड को लेकर, क्योंकि आपको पता होगा इसकी जो परफॉर्मेंस है बैटरी की लाइफ की परफॉर्मेंस तभी अच्छी होती है जब हमारा जो डिवाइस है उसमें कोई भी यहां पे बैकग्राउंड में डेटा या फिर एप्लीकेशन या फिर रिसेंट टास्क के बारे में कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं करता है, उस समय हमारी बैटरी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो इस परफॉर्मेंस को आपको मेंटेन करने के लिए आपको करना क्या होगा कि सिंपली जो आपको परफॉर्मेंस मोड का ऑप्शन मिलता है उसमें जाके आपको जो है यहां पे जो स्मार्ट परफॉर्मेंस मोड का एक ऑप्शन मिलता है आपको सिंपली उस पर टैप कर देना है। जैसे इस पर टैप करेंगे तो आपकी बैटरी स्मार्टली यहां से आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी Realme ने इस चीज को लेकर जो है कमेंटमेंट किया। और यहां पे आप देख सकते हैं ऐप क्विक फ्रीज को भी लेकर जो है यहां पे किया गया है, ऑप्शन दिया गया है। देखिए ऐप क्विक फ्रीज होता क्या है, इस एप्लीकेशन के थ्रू जैसे भी आपकी जितनी भी एप्लीकेशन पड़ी हुई है अगर किसी में भी आप प्रॉपरली यहां पे ऐप क्विक फ्रीज में जो है यहां पे इनेबल रखते हैं,
जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पल रन का गेम इसको एनेबल किया हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे आप इसको यूज कर लेंगे और आप हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे बैकग्राउंड में जो रन कर रही है एप्लीकेशन वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी, मतलब आपको हटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो यहाँ पे 3 से 4 एप्लीकेशन खोलने के बाद ऑटोमेटिकली हट जाएगी, बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन रन नहीं करेगी। और जब बैकग्राउंड में आपको पता है कोई एप्लीकेशन रन नहीं करेगी तो मतलब हमारे बैटरी से लोड जो है कम होगा, और बैटरी से जैसे ही लोड कम होगा तो आपको पता होगा कि हमारी बैटरी की लाइफ जो है पहले कंपैरिजन में हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को लेके जो है यहाँ पे बताया गया है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ऑफ, बैलेंस मोड, सुपर पावर सेविंग मोड। तो बैलेंस मोड में रखते हैं तो आपकी बैटरी का ये बैलेंस बना के रखेगा, मतलब कि जैसे ओवरलोड यहाँ पे एप्लीकेशन रन होती है या फिर कुछ और होता है जिससे कि आपकी बैटरी में ज्यादा लोड पड़ता है तो उसको यहाँ मेंटेन करेगा। और जैसे ये इसको मेंटेन करेगा तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको जो आपकी बैटरी है उसमें जो है बैलेंस लोड चलता रहेगा, मतलब कि जितनी एवरेज उसको लोड चाहिए उस एवरेज के हिसाब से लोड चलेगा। और जैसे ही उस एवरेज के हिसाब से लोड चलेगा तो कहीं ना कहीं आपकी बैटरी जो है फ्री हो पाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर ज्यादा ओवरलोड हो जाएगी बैटरी तो आपकी बैटरी में जो ड्रेन इश्यू है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये कुछ टिप्स थी जो कि रियलमी ने खुद इस चीज को जो है यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, ऑफिशियली तरीके से कुछ ऑफिशियली टिप्स थी जो कि मैंने चैनल के थ्रू आप सबसे शेयर की। तो आप वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी आप सोशल नेटवर्किंग चीज यूज करते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने जो रियलमी की ऑफिशियली टिप्स थी वो मैंने आपको बताया, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।